إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ It means
अगर यहाँ पर अल्लाह है तो इसके पहले मुमकिन है कि कोई इसमें नहीं होगा, कोई फेल होगा। जो आपको बताया गया है कि इसके पहले जो फेल है वो बदी हुई है, बिंदु से इब्तदा। जब किसी चीज की इब्तदा की जाती है, बिगनिंग की जाती है, ओरिजिनेट किया जाता है, तो उसको हम अरबी में बदीउन कहते हैं। जैसे कि कुरान में आया है बदीउन समावात वल अर्द, कि वो इब्तदा करने वाला है आसमानों का और अर्द का। तो यहां पर भी इब्तदा हो रही है। अब इब्तदा किस चीज की हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है जो इब्तदा हो रही है, वो इब्तदा किस चीज की हो रही है? इस सेंटेंस से जो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, देखिए सारी आयात जो है कुरान की वो आपके लिए मैसेज है, उसमें आपके लिए नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी। अल्लाह ने जिसने इस कायनात को खल्क किया, इस कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, इंसान को वो अक्ल शऊर को समझ अता करे, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंसान की रहनुमाई भी करे, उसको बताए भी कि उसने इस कायनात को या उसको इंसान को किस तरह से खल्क किया, कैसे खल्क किया, क्यों खल्क किया, कहाँ खल्क किया, उसकी वजह क्या है, कब खल्क किया। तो जो कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन होती है वो एक खालिक की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसने इस कायनात के दरमियान किसी को कॉन्शियस वाला, अक्ल वाला, गौर फिक्र वाला, सोचने और समझने वाला बनाया है, तो वो उसको उसकी अक्ल के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक जो है उसको जानकारी मिलेगी, उसको बताएगी कि ये सब क्यों किया गया है और कैसे किया गया है और किस लिए किया गया है। तो जितनी भी आयात हैं, हम पहले ही अपने ब्रेन में पिक्चर बना के बैठे हैं, कॉन्सेप्ट बना कर बैठे हैं कि इसमें हमारे लिए मैसेज, इसमें हमारे लिए हिदायत, हुदल्लिल मुत्तकीन। अब हिदायत तो है, लेकिन उस हिदायत को हमें अगर लेना है, या अगर हम समझते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो हमारे अंदर उसके लिए उसके मुताबिक तकबीयत होना चाहिए। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गाइडलाइन जो होती है उन लोगों के लिए होती है, जस्ट जैसे कि आप देखिए कि कोई कंपनी जो किसी पाइप को बनाती है, फॉर्मुलर बनाती है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो डेवलप करती है, तो उसके साथ आपको एक गाइड देती है। तो वो जो गाइड दी जाती है, गाइड इसलिए दी जाती है कि उस इंस्ट्रूमेंट को, उस प्रोडक्ट को आपको यूज कैसे करना है वो बताता है। उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो वो उससे भी आपको क्या करता है, बचाता है। तो वो बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको गाइडलाइन दी जाती है। मुत्तकी मीटू से बचने वाला, जो नुकसान से, शर से, मुसीबतों से, परेशानियों से अपने आप को बचाना चाहे, वो कोई भी नुकसान का अमल, नुकसान का सौदा नहीं करना चाहे, तो उसके लिए अल्लाह कह रहा है कि ये गाइडलाइन किसके लिए, जो चाहते हैं कि उनकी रहनुमाई की जाए, और ऐसी रहनुमाई की जाए जो उनको सेव कर सके, सिक्योर कर सके, अमन और अमान में ला सके। आज भी और गैर आकर इसके बाद भी, क्योंकि इंसानी जिंदगी का ये जो सफर जो है ये खत्म होने वाला नहीं, इसकी इब्तदा हो चुकी है। अब ये सफर जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। कुछ वक्फा जो है बीच में हमें रुकना पड़ेगा, एज अ डेथ, मौत की शक्ल में, लेकिन वो सिर्फ एक वक्फा होगा, वो हमारी लास्ट स्टेज में ही होगी। उसके बाद से फिर हमारा सफर कंटिन्यू हो जाएगा। तो चूंकि सफर कंटिन्यू है, इसीलिए हमारे अंदर तकबे का होना, और उस तकबे के लिए
उसकी तरबियत के लिए गाइडलाइन का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा अल्लाह ने